नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम के ये हैं फायदे। सकल घरेलू उत्पाद मामले में 10वें नंबर पर पहुंचा बिहार। बिहार में आज डॉक्टरों की हड़ताल। बीपीएससी न्यायिक सेवा मेंस एडमिट कार्ड करे डाउनलोड। तरल रेस्क्यू का काम जारी, पीएम मोदी ने लिया अपडेट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स दिल्ली में ग्रुप बी व सी के तहत 3036 पदों पर निकली भर्ती। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की ओर से ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के अंतर्गत कुल 3036 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो एम्स दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट aiimseexams.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यताएं निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह एक बार जारी किए गए अधिसूचना को जरूर देख लें। बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम के ये हैं फायदे। युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के मकसद से बिहार सरकार के द्वारा कुशल युवा प्रोग्राम यानी कि KYP शुरू किया गया है। बता दें कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का हिस्सा है। ऐसे में इस प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक युवा की आयु 15 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं इस प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जिन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है उनमें आवेदक युवा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं एवं 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करने वाले दस्तावेज अर्थात शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मालूम हो कि सरकार द्वारा शुरू किए गए इस प्रोग्राम में नागरिकों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लाइफ स्किल, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नेहा शर्मा के बारे में। नेहा शर्मा का जन्म आज ही के दिन 1987 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। नेहा शर्मा ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म चिरुथा से की और हिंदी फिल्म की शुरुआत क्रूक से की। सिनेमा हिट क्या सुपर कूल है हम के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। नेहा शर्मा यमला पगला दीवाना दो, सोलो और तानाजी सहित कई फिल्मों में दिखाई दी है। उन्होंने 2020 में श्रृंखला इल्लीगल के साथ अपना वेब डेब्यू किया और लघु फिल्म कृति का भी हिस्सा रही, जहां उन्होंने शीर्षक भूमिका निभाई। अभिनय के अलावा वह कथक, स्ट्रीट हिप हॉप, लैटिन डांसिंग, सालसा, मेरेंग्यू, जीव और जैज जैसी विभिन्न शैलियों में एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। वह फैशन आइकन केट मॉस को अपनी प्रेरणा मानती हैं। नेहा शर्मा की प्राथमिक शिक्षा अपने ही शहर भागलपुर के स्कूल माउंट कार्मेल स्कूल भागलपुर से पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। वहां उसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली से फैशन डिजाइनर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बिहार बोर्ड 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा 25 नवंबर से। बिहार बोर्ड की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार बोर्ड की 11वीं की त्रैमासिक की परीक्षा का आयोजन 25 नवंबर 2023 से होने वाला है, जो कि 2 दिसंबर 2023 तक चलेगा। बता दें कि इस परीक्षा में राज्य भर से लगभग 13 लाख छात्र शामिल होंगे। मालूम हो कि इस परीक्षा का आयोजन दो पाली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें से पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत 1:30 बजे से होगी, जो कि 3 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत 3:30 बजे से होगी, जो कि 5 बजे तक चलेगी। बता दें कि छात्रों को OMR सीट पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब देना होगा। वहीं हम अगर इस परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो बोर्ड के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस परीक्षा का रिजल्ट 6 दिसंबर 2023 तक तैयार किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्द ही बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 का भी टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। बिहार में आज डॉक्टरों की हड़ताल। IMA के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि आज यानी कि 21 नवंबर को प्रदेश भर के डॉक्टर के द्वारा पूर्णिया में डॉक्टर राजेश पासवान पर हुए जानलेवा हमले को लेकर हड़ताल किया जाएगा, लेकिन इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में कामकाज चलता रहेगा। बता दें कि हड़ताल के बाद कल यानी कि 22 नवंबर को IMA के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। मालूम हो कि डॉक्टर राजेश पासवान पर एक मरीज के परिजनों के द्वारा हमला किया गया था, जिसकी मौत डॉक्टर के क्लिनिक में हो गई थी। इस हमले में डॉक्टर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना लाया गया। फिलहाल अभी भी उनका इलाज पटना में चल रहा है। आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट है लिंक, ऐसे करें पता। वर्तमान में बैंक अकाउंट से आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप माई आधार वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें, फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरें।
इसके बाद आपको ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। ओटीपी जाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसके बाद आपको बैंक सिटिंग स्थिति शीर्षक वाले बटन पर जाना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आधार नंबर के साथ लिंक है। बिहार वासियों को जल्द मिलेगा प्रदेश का दूसरा शानदार आईटी पार्क। बहुत जल्द ही प्रदेश को दूसरा और उत्तर बिहार को पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मिलने वाला है। दरअसल इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण बिहार के दरभंगा में किया जा रहा। मालूम हो कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसकी शुरुआत अगले महीने हो जाएगी। इस पार्क के निर्माण हो जाने से मिथिला क्षेत्र के लोगों को यहां रोजगार का भी अवसर मिल पाएगा। यहां देश दुनिया की आईटी सेक्टर की कंपनियां अपना ऑफिस खोलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आईटी पार्क का निर्माण भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 9,28,35,309 रुपए की लागत से किया जा रहा है, जो कि 2 एकड़ जमीन पर बन रहा। वहीं इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। सकल घरेलू उत्पाद मामले में 10वें नंबर पर पहुंचा बिहार। आरबीआई के द्वारा राज्यों के वित्त पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में राज्य के लोगों की सालाना आय में 6,613 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि प्रति व्यक्ति के आय में वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 12.11% की वृद्धि हुई है, जो कि पड़ोसी राज्य झारखंड से करीब 4% अधिक है। मालूम हो कि वर्ष 2022-23 में 54,111 रुपए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2022-23 में विभिन्न राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में बिहार 31,280 रुपए के साथ 10वें नंबर पर है। वहीं सूची में सबसे पहले नंबर पर 2,71,019 रुपए के साथ दिल्ली है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन में 69 किलोग्राम की कमी आई है। वहीं इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में दिहाड़ी मजदूर 342 रुपए है। दिवंगत पिता को याद कर पंकज त्रिपाठी हुए भावुक। बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी के द्वारा अपने दिवंगत पिता को याद कर एक इंटरव्यू के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 30 सालों से अपने पिता से कोई काम सलाह लेकर नहीं किया है। मैं एक आज़ाद इंसान रहा और पिछले 30 सालों से अपने फैसले खुद लिए हैं। कोई भी फैसला लेने के बाद मैं उन्हें बताता था। मुंबई पहुंचने के बाद मैंने उनसे कहा था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा, आप मुंबई में क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं फिल्मों में काम करूंगा। उन्होंने पूछा, हो जाएगा? मैंने बोला, हाँ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने सोचा, अब मैं किससे सलाह लूंगा? तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने पिछले 25 से 30 सालों से उनसे कोई सलाह ही नहीं ली थी, तो मेरे मन में यह सवाल क्यों उठ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिता आपके सिर पर छत की तरह होता है और अब ऐसा लग रहा है कि वह छत छिन गई है। बीपीएससी न्यायिक सेवा मेंस एडमिट कार्ड करें डाउनलोड। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आप इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि वेबसाइट का सर्वर डाउन होने की वजह से कोई भी कार्य किया नहीं जा सकता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 नवंबर 2023 से शुरू होने वाला है, जो कि 29 नवंबर 2023 तक चलेगा। मालूम हो कि सर्वर डाउन होने की वजह से बिहार शिक्षक बहाली के लिए भी आवेदन करने में अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और साथ ही बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी अभ्यर्थियों को परेशानी आई। लेकिन अब जब सर्वर एक बार फिर से ठीक हो गया है तो अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही बिहार शिक्षक बहाली के लिए भी अपना आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कथकौली का मैदान के बारे में। बक्सर का युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। बक्सर का युद्ध बक्सर जिले में कथकौली के मैदान में हुआ था। यह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कथकौली मैदान में हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश शासन और मुगल सम्राटों के बीच हुआ था। इस मैदान पर बक्सर की लड़ाई होकर मुनेरों के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की सेना के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मुगल शासकों की हार हुई थी और बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अंग्रेजों का शासन हो गया था। इस युद्ध क्षेत्र पर अंग्रेजों ने एक स्मारक भी बनवाया था, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया था। अब इस क्षेत्र को संरक्षित किया गया है और यहाँ पर सुंदर गार्डन बनाया गया है और स्मारक का निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यह बक्सर के सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। स्मार्ट सिटी पर भारी है बिहार का ये मॉडर्न विलेज।
बिहार के गया जिले के बोधगया प्रखंड क्षेत्र में स्थित एक ऐसा गांव है जो स्मार्ट गांव की सुविधाओं के साथ बना हुआ है। बता दें कि इस गांव का नाम बतसपुर गांव है, जहां ग्रामीणों को गोबर गैस से निशुल्क खाना प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही इस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इंटर तक स्कूल, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण हाट, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, पार्क और डस्टबिन जैसी सभी सुविधाएं शामिल है। मालूम हो कि इन सभी सुविधाओं के कारण यह गाँव चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि गाँव में भविष्य में एक जिम बनाने की योजना भी है, जो गांव वालों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक स्थायी स्थान प्रदान करेगी। अगुवानी सुल्तानगंज पुल के नए सिरे से निर्माण के लिए अपडेट आया सामने। इसी वर्ष जून महीने में ध्वस्त हुए निर्माणाधीन अगुवानी घाट पुल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में होने वाले निर्माणाधीन अगुवानी घाट पुल के नए सिरे से निर्माण को लेकर कंपनी के द्वारा पथ निर्माण विभाग को 5 डिजाइन उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी डिजाइन पर विशेषज्ञों व अथॉरिटी इंजीनियर ने अध्ययन आरम्भ नहीं किया है, जिस वजह से किसी भी डिजाइन पर अभी सहमति नहीं बनी है। ऐसे में सहमति बनने के साथ ही इस पुल का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि विशेषज्ञों व अथॉरिटी इंजीनियर के द्वारा अलॉयमेंट के दायरे में जलस्तर कम होने के बाद अपना अध्ययन किया जाएगा और किसी एक डिजाइन को मंजूरी दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल का निर्माण नए सिरे से उसी कंपनी के द्वारा किया जाएगा, जिस कंपनी के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग को निर्माण कंपनी के द्वारा शपथ पत्र दे दिया गया है। 22 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लगेगा डिज्नीलैंड मेला। बिहार की राजधानी पटना में 22 नवंबर से डिज्नीलैंड मेला लगने वाला है, जो कि 5 जनवरी तक चलेगा। बता दें कि इस बार का डिज्नीलैंड मेला कई मायनों में खास होने वाला है। मालूम हो कि इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र चीन से मंगाया गया झूला होगा। वहीं इसके अलावा इस मेले में सुनामी, तरंग, रोलिंग टावर, रेंजर, स्क्रीन टावर, बोटिंग समेत कई चीजों का मजा मिलने वाला है। बता दें कि इस मेला में पहली बार सैंड आर्टिस्ट भी आने वाले हैं, जिनके द्वारा सैंड का सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। इस मेला के आयोजक आशीष कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि खासकर उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए लगाया जा रहा है। बिहार के कई शहरों में गिरा तापमान। बिहार में मौसम तेजी से करवट बदलने लगा है। कई शहरों के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पटना, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा में तापमान में कमी आई है। हालांकि यह ठंड सुबह में ज्यादा लग रही, लेकिन दोपहर होते होते मौसम में गड़बड़ाहट देखने को मिल रही। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में बारिश की संभावना फिलहाल न के बराबर है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। सुबह के समय राज्य में ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहीं राज्य के कई जिलों में कोहरा भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सुबह के समय धुंध रहने की संभावना है। बिहार में रात के दौरान और सुबह के दौरान ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है। देवउठनी एकादशी से मिलते हैं ये फल। इस बार मनाया जाएगा 23 नवंबर को। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थानी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि साल देवोत्थान एकादशी 23 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, तिलकोत्सव, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। मालूम हो कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। पुण्यादि करने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। देवउठनी एकादशी के अवसर पर घरों, मंदिरों और मठों में पूजा अर्चना की जाती है और दीप दान किया जाता है। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन किसान गन्ने की नई फसल की कटाई का काम भी शुरू करते हैं। अब डीएम बनने के लिए संघर्ष करेगा सचिवालय सेवा संघ। सचिवालय सेवा संघ के महासचिव प्रशांत कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि सहायक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने के बाद सचिवालय सेवा संघ के सदस्य अब डीएम बनने के लिए संघर्ष शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी संयुक्त सचिव स्तर तक पहुंचे सचिवालय सेवा के कुछ अधिकारियों को भी जिलाधिकारी के पद पर पदस्थापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पदनाम परिवर्तन के लिए संघ जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिनंदन करेगा। संघ के सभी सदस्य मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञ हैं। सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव स्तर तक पहुंचे कुछ अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी बनाया जाता है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इस संवर्ग के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समक्ष पदों पर तैनाती होती है। बिहार में इसे लागू किया जाए तो इससे मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उप विकास आयुक्त और अनुमंडलाधिकारी के कम से कम 20% पद सचिवालय सेवा के सदस्यों से भरे जाए। अभी सेवा के सदस्यों की संख्या करीब 1600 है। नई नियुक्तियां भी होने वाली हैं, तब इसकी संख्या 2900 से अधिक हो जाएगी। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी के जीतने का शाहनवाज हुसैन ने किया दावा।
बीते दिन बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन सुपौल जिला मुख्यालय स्थित सत्येंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह दावा किया कि देश के 5 अलग अलग राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में से 3 राज्यों में पार्टी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता नहीं खुला था और 2024 में भी कोई सीट नहीं मिलेगी। पार्टी ने जातीय गणना का समर्थन किया था। राज्य सरकार ने पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए इसे 75% किया, तो दोनों सदनों में पार्टी ने इसका समर्थन किया, क्योंकि बीजेपी शुरुआत से ही इन वर्गों के विकास के लिए प्रयासरत रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में भी बीजेपी का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सीएम नीतीश की बड़ी बहन ने भाई को पीएम बनाने की मांगी मन्नत। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर बीते दिन एक अनेक मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में पारिवारिक सदस्यों के साथ उदयीमान भगवान भास्कर को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित किया तथा राज्यवासियों के सुख शांति एवं समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि हम लोगों ने मन्नत मांगी थी कि भाई मुख्यमंत्री बन जाए। छठी मैया ने हमारी मनोकामना पूरी की और भाई बिहार के सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद वे बिहार की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बार हम सभी ने भाई के पीएम बनने की मन्नत मांगी है। छठी मैया पर पूरा भरोसा है कि एक बहन की मनोकामना वो जरूर पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि हमने छठी मैया से दुआ मांगी थी कि यदि भाई बिहार के सीएम बन जाएंगे तब मुख्यमंत्री आवास में ही छठ करवाएंगे। तब से आज तक महापर्व छठ सीएम हाउस में ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सीएम नीतीश के खिलाफ दिल्ली में राजघाट पर 4 दिसंबर को धरना देंगे जीतन राम मांझी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार विधानसभा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के किए गए अपमान को लेकर विभिन्न दलित संगठनों के द्वारा 4 दिसंबर को नीतीश कुमार के खिलाफ राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, दयानंद जाटव, सुरेंद्र महरौलिया समेत दलित संगठनों के कई अहम नेता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार के लिए बोझ बन चुके हैं। उन्होंने हमारे नेता का अपमान कर यह सिद्ध कर दिया है कि वह कभी भी दलित हितैषी नहीं रहे। वो जीतन राम मांझी को एक रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। विश्व कप के फाइनल में हार के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ियों को लेकर कहा ये। विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय में यह एक कठिन दिन रहा। हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लड़कों पर गर्व है। इस टूर्नामेंट के दौरान हमने जिस स्तर का क्रिकेट खेला वह असाधारण था। हमने इस टूर्नामेंट में अपना सब कुछ झोंक दिया। इस फाइनल में हमने अपना बेस्ट नहीं खेला, जिसका श्रेय ऑस्ट्रेलिया को जाता है। इसलिए मेरी ओर से ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई। वह हमसे बेहतर थे। उन्होंने कहा कि इस हार से बेशक हमें निराशा है, ड्रेसिंग रूम में लड़कों और सहयोगी स्टाफ में भी निराशा है, लेकिन कुछ समय बाद हम इस पर विचार कर सकते हैं कि यह वास्तव में कितना अच्छा अभियान रहा है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान हैं, वह अच्छा नेतृत्व करते हैं, वह ड्रेसिंग रूम में लड़कों को काफी समय और ऊर्जा देते हैं, वह हमेशा मीटिंग में भी उपलब्ध रहते हैं। मैं एक व्यक्ति और एक कप्तान के तौर पर इससे ज्यादा उनके लिए और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। प्रिंस ऑफ वेल्स सम्राट एडवर्ड अष्टम बॉम्बे अब मुंबई 1921 में पहुंचे और कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। भारत चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने 1962 में संघर्ष विराम का ऐलान किया। एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को 1956 में स्वीकृति दी गई थी। केरल के थुम्बा क्षेत्र से 1963 में रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत और चीन ने 2006 में नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 8% रहने की संभावना व्यक्त की। प्रसिद्ध राजस्थानी कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी केशरी सिंह बारहट का जन्म 1872 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता तथा आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक हरे कृष्ण मेहताब का जन्म 1899 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 1916 में हुआ। हिंदी के प्रमुख यशस्वी कथाकार ज्ञान रंजन का जन्म 1931 में हुआ।
गुजरात की पहली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का जन्म 1941 में हुआ। बहलोल लोदी का पुत्र और दिल्ली का सुल्तान सिकंदर शाह लोदी का निधन 1517 में हुआ। भारतीय अधिवक्ता, गांधीवादी नेता, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अविनाश लिंगम चेट्टियार का निधन 1921 को हुआ। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का निधन 1970 को हुआ। बरलखर में आज हम बात करेंगे मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट http://rozgarsevak.org मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट होने का दावा कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट भारत सरकार से संबद्ध नहीं है। मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। टनल रेस्क्यू का काम जारी, पीएम मोदी ने लिया अपडेट। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए काम लगातार जारी है, लेकिन अब तक राहत बचाव टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। बता दें कि फिलहाल ड्रिलिंग का काम चल रहा और टनल के ऊपर सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। मालूम हो कि घटनास्थल पर केंद्र व राज्य सरकार के बड़े कर्मचारी मौजूद हैं। वहीं सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बातचीत कर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसी के द्वारा मजदूरों को निकालने का काम किया जा रहा। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात कर दी गई है। बता दें कि इस स्थिति पर पीएमओ के द्वारा भी लगातार नजर बनाई रखी जा रही है। पीएम की ओर से कहा गया है कि मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक बचाव उपकरण और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासी अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसा स्थल पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर डिक्स ने हादसा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। उन्होंने टनल के सर से होने जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन स्थल का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हम सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी मजदूरों को सकुशल बचा लेंगे। व्हाट्सएप के इस फीचर से बिजनेस को लगेंगे पंख। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा व्हाट्सएप को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें नए नए फीचर्स ऐड करती रहती है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार अब व्हाट्सएप पर एक ऐसा फीचर आने वाला है जो लोगों के बिजनेस अकाउंट को सपोर्ट करेगा और उनके व्यवसाय को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद करेगा। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के इस फीचर को मार्केटिंग मैसेज नाम दिया गया है, जो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बीटा वर्जन पर देखा गया है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के मार्केटिंग मैसेज फीचर की मदद से मैसेज को शेड्यूल और बेहतर तरीके से सेंड किया जा सकेगा। WA बीटा इन्फो के अनुसार यह सुविधा बिजनेस को अपनी आउटरीच स्ट्रेटेजी को तैयार करने में मदद करेगी। कंपनियां अपने मैसेज के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकती है और ग्राहकों के साथ अपनी बातचीत बढ़ाने के लिए इंटरेक्शन को बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस वैकल्पिक सुविधा का उपयोग करने के लिए बिजनेस अकाउंट को फीस देनी पड़ सकती है, जिससे राशि देश के अनुसार भिन्न हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप इस फीचर को छोटे बिजनेस के हिसाब से ही तय करेगा जिससे उन्हें अपना वेबसाइट बढ़ाने में मदद मिले और ये लोग बड़े स्तर पर अपना प्रमोशन कर सकें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए पेकिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी JNU, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगला सवाल, हाल ही में 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल दिवस, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कानूनी सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय कानूनी सेवा। अगला सवाल, हाल ही में किसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार सिंह, ऑप्शन बी संतोष कुमार झा, ऑप्शन सी पंकज त्रिवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संतोष कुमार झा। अगला सवाल, देश का पहला सिटी फॉरेस्ट बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा?
ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी समस्तीपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागलपुर। अगला सवाल, बिहार में कहां पर 20 फीट ऊंचा 5 लाख रुद्राक्ष से बना शिवलिंग स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोतिहारी। बीते दिनों माद्र पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक मिश्रा, रंजीत मिश्रा, गुनर शर्मा, संतोष यादव, अवधेश कुमार, महेश यादव, अफरोज मंसूरी, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद फहीम, विपिन कुमार यादव, मुकुंद कुमार झा, कुश कुमार यादव, अतीक खान, चंदन झा, राजीव कुमार, नरेश कुमार, चंद्रदीप। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।